आज इस समय हम उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के नाथूनगर ग्राम पंचायत के सियात जगह पर हैं और आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये रेशम की ढेरी। शायद इस रेशम की ढेरी से आप समझ गए होंगे कि किसान जो रेशम का है उसने प्रोडक्शन कर लिया, अपना उत्पाद बना लिया है और आज इस जगह पर मंडी लगी हुई है और उस मंडी में वो इतने अच्छे तरीके से अपना उत्पाद ला रहा है, रेशम ही रेशम, सफेद सोना। और इस मंडी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत दूर से आए हुए व्यापारी गण, अब्दुल्ला जी, अताउद्दीन जी, आप बंगाल से आए हुए हैं यहां पर रेशम खरीदने के लिए और साथ में उत्तराखंड कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन जो कि किसानों का ही, रेशम के किसानों का एक पूरे स्टेट लेवल का संघ है, उसके उपाध्यक्ष साहब विक्रम सिंह बिस्ट साहब जी भी हमारे साथ मौजूद है, जो कि दोनों ही व्यापारी के रूप में हैं और फेडरेशन किसानों के हित के लिए यहां पर हमेशा काम करता रहा है। वो आज भी यहां पर है ताकि एक प्रतियोगी प्राइस, कम्पिटिटिव प्राइस जो है हमारे किसान को मिल सके, अच्छा दाम मिल सके, इसलिए आप भी हमारे साथ हैं। और साथ ही मैं जो है अपने साथ जुड़े हुए अब्दुल्ला जी से अनुरोध करूंगा कि जब किसान हमारा मार्केट में अपने प्रोड्यूस को, अपने रेशम को लाता है तो वो ध्यान नहीं रखता है कि कैसे उसको लाए। मतलब रेशम तो बहुत सारी ग्रेडिंग का है, अलग अलग ग्रेड का है, ए बी सी डी डबल और डैमेज, तो वो जब इनको अलग अलग लाएगा, पहचान सकेगा तभी अलग अलग लाएगा और उसकी क्या महत्ता है इस पर भी हम बात करेंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा अब्दुल्ला जी से कि प्लीज हमारे किसानों को ये बताएं कि ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड और डबल और डैमेज को वो कैसे पहचानेगा। हम बताएंगे जो कुपटी बहुत बढ़िया से पाला है, बहुत बढ़िया से पाला है, उसका ग्रेड नहीं किया है, उसका ग्रेड होगा जी देखिए, ये है ए ग्रेड कुपटी का, ये है ए ग्रेड कुपटी का, ए ग्रेड कुपटी का ये है, उसके अंदर बी भी मिला दी, ये बी ग्रेड है। ये चलो पास लेकर के दिखाएं, ककुन जो दिखा रहे हैं, ये जो ये है ए ग्रेड का है, ए ग्रेड का है। ए ग्रेड को कैसे पहचानेंगे अब्दुल्ला जी, हाथ से देख कर? ये देखने में बड़ा लगेगा, मोटा लगेगा एवं सख्त लगेगा, मोटा बड़ा सख्त है। उसके बाद आ जाएगा ए वाला, ये आएगा बी में आएगा, ये मीडियम है, ये बी में आएगा। ए और बी को एक साथ दिखाइए, ये चलो ए है, ये है बी, ये इनका कहना है कि ए बी, तो आप देखकर ही समझ सकते हैं कि दोनों ग्रेड अलग अलग हैं, इनके रेट अलग अलग होंगे। इसको भी निकालना पड़ेगा, ये है डैमेज, इसके अंदर कुछ नहीं है, देखो इसको भी सफाई करना पड़ेगा, ये कुछ नहीं है, तो इसका तो बहुत ही कम रेट लगेगा, बहुत कम, ये तो डैमेज हो गया ना, ये तो चलेगा नहीं, हमारा फैक्ट्री में नहीं चलेगा ये, हम इसको दूसरे जगह पे हाथ में बनाना पड़ेगा इसको। और सी और डी कैसे हम पहचानेंगे? सी या डी जैसे आपका ये जो हो गया छोटा वाला, ये जो वाला है सी वाला, ये जो ये खुपी है सी, ये हाँ ये सी है, उससे भी हल्का ककुन, हाँ खूब हल्का ककुन है, सी है वो। और ऐसे ही ये इसे, ये पे सबसे बड़ा, ये पे डबल हो गया, इसके अंदर दो कीड़ा है, इसके अंदर दो कीड़ा है, ये हमारा नहीं चलेगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये देखने में तो बहुत बड़ा, बहुत बड़ा मोटा है, लेकिन किसान इसे देखता होगा उसे लगता होगा मेरा तो बहुत बड़ा ककुन बना है, इसके अंदर दो कीड़ा है, ये डबल ककुन है, यानी दो कीड़े ने इसके अंदर दो कीड़ा है, ये किसी काम का नहीं है। क्यों नहीं है काम का? ऐसा क्योंकि इसका सिंगल धागा नहीं निकलेगा, डबल होगा इसमें धागा बढ़िया सा नहीं निकलेगा, ब्रेक मारेगा। हाँ, और ऐसे ही डैमेज दिखाएं, तो ये वाला डैमेज है, ये सब ये जो डैमेज ये देख रहे हैं, ये डैमेज का ककुन, इसको निकालना पड़ेगा, फ्रेश करना पड़ेगा, तब जाकर और भी 10-20 रुपए दाम बढ़ेगा, जैसा क्वालिटी आएगा वैसा दाम बढ़ेगा। तो ये तो अब्दुल्ला जी ने बताया कि ये ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ग्रेड और डबल और डैमेज कैसे कैसे हैं। मैं बिस साहब से पूछना चाहूंगा कि क्या इसको जैसे यहाँ पर लेकर के आए हैं किसान और ये सारा का सारा इसमें मिक्स दिख रहा है, क्या किसानों को ऐसे ही मार्केट में लाना चाहिए या इनकी ग्रेडिंग अलग अलग करनी चाहिए? देखिए, जैसी ग्रेडिंग आती है उसी हिसाब से कोए का मूल्य निर्धारित किया जाता है। यहाँ पर आप मेरी ख्याल से इतने कीट पालक थे, उन्होंने भी देखा है, कई लॉट ऐसे थे जो बिल्कुल एक जैसे, बिल्कुल सेम, जितने भी ककून थे सब एक साइज के थे, उन्हें रेट अपने आप ही ज्यादा मिल गया, उसमें कंपटीशन भी हुआ, हम भी बोले, ये भी बोले। कई लॉट ऐसे रहे हैं जो मिक्स थे, हम बोले ये चुप हो गए, आगे निकल गए, क्यों कि इन्हें उसमें बिल्कुल पड़ता नहीं आ रहा है,
ए बी सी डी सब मिला हुआ है। जब ये रीलिंग मशीन पे जाता है तो ये सारी सॉर्टिंग करी जाती है, ए की अलग, बी की अलग, सी की अलग, सब एक साइज के ककून जो है वहां पे रीलिंग में लगाए जाते हैं। वरना अब हम 5-6 ककून लगा के, 5-6 कोई लगा के तब एक धागा बनाते हैं उसका। तो अगर वो कोई छोटा कोई बड़ा रहेगा तो कोई आधे में खत्म हो जाएगा, कोई ककून पूरा चलेगा, तो उसमें लेबर भी ज्यादा लगती है और धागा भी कम निकलता है, बार बार उसे ज्वाइंट भी करना पड़ता है। तो ये सब फैक्टर है। किसान सोचता है कि नहीं मेरा अच्छा है, अपनी चीज हर किसी को अच्छी लगती है, लेकिन किसान को पूरे इतने दिन मेहनत करी है, ककुन तोड़ते टाइम थोड़ी सी मेहनत और करनी है, उसकी ग्रेडिंग वाइज कर दिया, मोटी अलग रख दी, छोटी अलग रख दी, वो कम से कम एक किसी का तो रेट सही मिलेगा। और नंबर दो, जो इसमें डबल डैमेज जैसे बता रहे हैं, देखो अभी इसमें जो है कम से कम 10% जो है डैमेज ककून है जो निकाल रहे हैं, इतने में से ये निकल गया है, तो 10% डैमेज ककून है जिसकी कॉस्ट जो है 40 रुपए है। 40 रुपए को भी हम जो है अगर 400 का रेट हो रहा है तो हमें तो 400 रुपए के उसमें पड़ रहा है, हमें वो इसलिए घाटा होता है। और किसान जो है उसमें सोचता है कि ये मेरे रेट नहीं लगाया है, तो जिसमें डबल डैमेज और डबल जो है, जो अभी आपको दिखाया था डबल, ये दो कीड़ों ने जो है ये मिलके ककून बनाया है, तो ये रील नहीं होता, क्योंकि इसमें जब रील करते हैं तो धागा उलझ जाता है, क्योंकि किसी कीड़े ने कहीं से है कहीं से है तो एक सिंगल धागा नहीं निकल पाता, उलझा हुआ धागा इसमें रहता है, इसलिए वो रील नहीं हो पाता। तो इसे फिर उबाल के ये जो है कताई करते हैं इसकी चरखे में, तब वो धागा निकालते हैं मोटा धागा। इसकी कीमत 150 रुपए है, तो ये भी इसी में 150 वाला भी 400 में ले रहे हैं, 500 में ले रहे हैं जो उसमें मिला हुआ है। इसलिए किसान सॉर्टिंग करके लाएगा तो उसे रेट अच्छा मिलेगा। किसान इतने दिन मेहनत करता है तो एक दिन और उसे मेहनत करनी है कि बैठ के जिस दिन कोया ला रहे हैं उस दिन उसे छांट के लाएं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब किसान मार्केट में कोया लेकर के आ रहा है और चूंकि अलग अलग ग्रेड का लेकर के आएगा, ए को अलग कर लेगा, बी को अलग, सी को और डी को अलग, या डबल और डैमेज को अलग, क्योंकि इन सब के गुणवत्तावार अलग अलग रेट हैं। अब जब वो सारे को एक साथ ले आता है तो उसमें गेहूं और घुन जो है सब एक साथ होते हैं, कहने का मतलब है कि उसे अगर अच्छे का अच्छा दाम मिल सकता था तो वो ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें बुरा भी मिक्स है। और साथ ही बिस साहब ने और अब्दुल्ला जी ने बताया कि ये जो अलग अलग ग्रेड का होता है, इसकी सॉर्टिंग, इसकी छटाई करते हैं जब धागा बनाते हैं तो उस समय मेहनत लगती है, और अगर वो थोड़ी सी मेहनत आप अपने घरों पे कर लेंगे तो उनका वो लेबर कॉस्ट कट हो जाएगी और वो रेट आपको यहाँ दे करके चले जाएंगे, जिसका फायदा आपको होगा। ऐसे ही डबल डैमेज, डबल बनते समय आप लोगों की कमी रहती है क्योंकि हम माउंटिंग अच्छे से कीड़े की नहीं करते हैं, तभी वो डबल ककून बनता है। तो ऐसी कमियां जो किसान हमारे कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वे समझ गए होंगे कि अब्दुल्ला जी ने इतने बेहतर तरीके से बताया कि कैसे अलग अलग क्वालिटी के ककून को पहचानें। तो जब भी मार्केट में आए उससे पहले अपने उत्पाद को छांट करके लेके आए ताकि आपको अच्छा दाम मिल सके। मैं अपने साथ जुड़े हुए अब्दुल्ला जी का मैं इसे आसान भाषा में थोड़ा सा और समझा दूं। जी, आपका उत्पाद है आलू, आप लगाते हैं, वो लगाते हैं, जब मंडी में ले जाते हैं तो ऐसे ही छोटे बड़े सब साइज के, आप दुकान में भी जाते होंगे सामान लेने, आलू ही मान लो आप दुकान से ला रहे हैं, तो एक साइज के आलू जो बड़े होंगे उनके अलग रेट होंगे, जो मीडियम साइज के होंगे उनके अलग रेट होंगे, और जो छोटे छोटे होंगे उनके अलग रेट होंगे, जो मिक्स होगा सारा उसका अलग रेट होगा। तो आप यहां पर तो बोल देते हैं कि भाई रेट कम मिल रहा है, क्यों नहीं इसका अच्छा मिल रहा है, इसका ये है, तो सेम दुकान में जब आप ले जाओगे तो वहां पे भी आलू ही तो है सब, लेकिन अलग अलग रेट है, क्यों है भाई, ये भी आलू है, ये भी आलू है। तो किसान को ये सब समझना चाहिए कि अपने उत्पाद को सुधार के मंडी में लाएं, जिससे कि उन्हें भी फायदा हो और जो व्यापारी आया है उसे भी उसका फायदा मिले। बहुत ही सीधे और आसान शब्दों में बिस साहब ने आपको समझाया। मैं अपने साथ जुड़े हुए अब्दुल्ला जी का, उत्तरदीन जी का और रेशम फेडरेशन के उपाध्यक्ष विक्रम सिंह बिस साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप सबने हमारे साथ ऐसी जानकारी साझा की जिसका हम आशा करते हैं कि हमारे किसान बहुत बहुत लाभ उठाएंगे और अच्छा दाम लेकर के अपनी आमदनी को बढ़ाएंगे।
आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।